चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक पहुंचे विजयनगर, चिकित्सालय का लिया जायजा। संयुक्त निदेशक इंद्रजीत सिंह ने विजयनगर चिकित्सालय के नव स्वीकृत कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान पाई खामियों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। किसी भी मरीज को बिना इलाज के रेफर नहीं किया जाएगा। संयुक्त निदेशक के दौरे के दौरान चिकित्सालय में उपस्थित समाज सेवियों और मीडिया को आश्वासन दिया कि जल्द ही चिकित्सालय व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा। नवभारत समाचार, विजयनगर, अजमेर, राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। उसको रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ सभी डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को यही कहा गया है कि एक बार तो आप मरीज को अंदर भर्ती करें, क्योंकि हम आते ही मरीज को कहते हैं नहीं नहीं कोरोना, आप जाइए 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 जाइए, तो बीमार आधा तो वहीं हाफ हार्टेड हो जाता है कि उसको ले कैसे जाऊंगा, वहाँ आगे जाऊंगा तो बलंग होगा नहीं होगा। तभी सभी को मोटिवेट किया है, बूस्टर किया है, और पूरे नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों में काफ़ी आज जोश भरा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले सभी, जो आने वाले समय में हमारे जितने भी बेड हैं, आपको सभी भरे मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि 75-80 तक का भी कोई पेशेंट आता है, पहले उसके बजाय रेफर करने के उसको यहाँ दें ऑक्सीजन सेचुरेशन, क्योंकि जैसे जैसे उसको हायर सेंटर पे चला जाया जाता है, और जैसे जैसे मरीज हायर सेंटर पहुँचता है और उसी के अकॉर्डिंग मरीज में कॉम्प्लिकेशन उसमें डेवलप होते हैं। यदि शुरुआत में ही हम ऑक्सीजन सेचुरेशन और एक जो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, यदि हम मरीज को राइट टाइम पे मिल जाता है ऑक्सीजन सेचुरेशन बेड, उसको यहाँ राइट टाइम मिल जाता है, तो मरीज को एक तरह से जान बचाई जा सकती है। तो इसमें ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा एनेस्थेटिक इसमें स्पेशलिटी हो, मेडिसिन स्पेशलिटी हो। हम CAC लेवल पर जो कोविड कंसंट्रेशन सेंटर जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें माइल्ड केस आपको मॉडरेट तक को भी हमने लिए देखा है, क्योंकि जब तक हम बीमार को भर्ती नहीं करेंगे हमें अनुभव नहीं आएगा। सबसे पहले जो हमारे दिल में डर है कोरोना का, कैसे ट्रीट करेंगे कैसे ट्रीट करेंगे, हम रोज पढ़ते हैं, हमारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन मरीज को भर्ती कर जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ठीक ये और बीमार जब भर जाएगा, जब हमें एक और अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। हमारे बाडी साहब हैं, आँख वाले डॉक्टर हैं, जब तक ये किसी बीमार को ठीक करके अपने हाथ से घर नहीं भेजेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आज हमने यहाँ ट्रेनिंग दी है और हमारे वार्ड तैयार है, सस्पेक्ट पेशेंट के लिए भी हमने वार्ड है। यहाँ थोड़ी तकलीफ प्रॉब्लम हो रही थी कि सब जगह कम है, तो हमने अलग से पीछे जो नई बिल्डिंग है उसमें एक जनरल वार्ड चालू किया है, वैक्सीनेशन के लिए अलग से जगह है। तो जहाँ तक पहले, अभी 2-4 दिन पहले आपके न्यूज़ में ही चला था कि सब स्टाफ कम है या हमारी जगह नहीं है, तो आज के बाद कोई चिकित्सक विजयनगर CAC का, कोई नर्सिंग स्टाफ ये नहीं कहेगा कि सब हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जॉइंट डायरेक्टर, और आज मैं हमारी कोविड कंसल्टेशन जो हमारा सेंटर है, इसकी विजिट के लिए आया।